को एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल पंडित दीनदयाल गैरल पंडित से भाबोर रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 13152 डाउन जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस को स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकना था, लेकिन लाल सिग्नल होने के बावजूद रिवर्सिबल लाइन में ही ट्रेन आगे बढ़ गई और 2 किलोमीटर तक ट्रेन उसी लाइन पर दौड़ती रही, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। संयोग अच्छा था कि रिवर्सिबल लाइन में दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो ओडिशा के बालासोर जैसा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते ही स्टेशन मास्टर और गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेन को रिवर्सल लाइन पर खड़ा किया। इसके बाद इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाते ही फौरन रेलवे के DRM समेत कई अधिकारी भाबुआ रोड स्टेशन पहुंचे। रेलवे की टीम ने यात्रियों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत करवाया और करीब 2.5 घंटे तक जांच के बाद लोको पायलट बदला गया। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। मामले की जांच करने भाबुआ रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM राजेश गुप्ता ने कहा है कि गठित किए गए टीम के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है क्योंकि तो अभी जांच कमेटी नियुक्त की है, वो अभी पूरी जांच करेगी, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा। प्रथम दृष्टया उसमें दोषी तो ड्राइवर दिख रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टि में तो जो आप कह रहे हो ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अभी पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या। अभी तत्काल ड्राइवर को हटाकर दूसरे ड्राइवर से भेजा गया है ना? अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ड्राइवरों पर? देखिए, उसको ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया है, जब तक जांच चलेगी उसके बाद ही निष्कर्ष निकलता है। अभी आप दुर्गावती तक जांच करने में क्या पाए? ऐसा कुछ देखने गए थे कि किधर से वो आया है, तो क्या लगा क्या नहीं लगा देखने में कुछ प्रतीत हुआ ऐसा, क्या फील कैसा हुआ? देखिए, जैसा दिखता है वो सब देख के आए हैं, क्योंकि जो लोग हैं कमेटी के। कमेटी कितने सदस्य एक बनी है कमेटी? 5 सदस्य। 5 सदस्य कौन कौन लोग हैं? कौन कौन लोग को नामित किया है? सीनियर DSO, सीनियर DOP, सीनियर DSO अधिकारी, डिवीजन के बड़े अधिकारी हैं। फिलहाल DRM द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।